दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन, और इस ड्रोन में हम बहुत ही चीपेस्ट फ्लाइट कंट्रोलर को यूज करने वाले हैं, जिसका नेम है CC3D फ्लाइट कंट्रोलर। और ये फ्लाइट कंट्रोलर इंडियन मार्केट में इजिली अवेलेबल है। साथ ही इस ड्रोन में आपको KK फ्लाइट कंट्रोलर से बनाए हुए ड्रोन से भी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाला है। इतना ही नहीं, बल्कि इस ड्रोन को हम सिंगल चार्ज में 20 मिनट तक फ्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इस ड्रोन को बनाना शुरू करते हैं। इस ड्रोन को बनाने के लिए हमने होममेड 500 mm का क्वाडकॉप्टर ड्रोन फ्रेम बिल्ड किया है। कमाल की बात यह है कि इस ड्रोन का वेट ओनली 127 ग्राम है। इस ड्रोन फ्रेम के आर्म में हमने मोटर को माउंट करने के लिए कुछ ड्रिल किया है। साथ ही मोटर के वायर को हम इस पाइप के अंदर से लेके जाने वाले हैं, तो इसके लिए भी हमने ड्रिल किया है। और पीछे की तरफ दो ड्रिल किया है, जिससे हम मोटर को स्क्रू से फिक्स करेंगे। फ्रेम के टॉप प्लेट में हमने एक होल किया है, जिससे अंदर के वायर को ऊपर की तरफ निकालेंगे। टॉप और बॉटम प्लेट के बीच में हमारा चारों ESC लगेगा, और नीचे की तरफ हम अपने बैटरी को लगाएंगे। इस ड्रोन में हम 4 BLDC मोटर को यूज करने वाले हैं, जिसका साइज है 22x12 और ये 1000 KV का है। सभी मोटर के 3-phase वायर में मैंने एक्स्ट्रा वायर को जोड़ करके इसे थोड़ा लॉन्ग किया है। मोटर को आर्म में फिक्स करने के लिए हमें पाइप के होल के अंदर से वायर को डाल करके दूसरे एंड से बाहर निकाल लेना है। इसके बाद ड्रिल किए हुए होल में मोटर को सेट करके स्क्रू के थ्रू मोटर को अच्छे से टाइट कर लेना है। जैसे हमने ड्रोन के एक आर्म में मोटर को फिक्स किया है, वैसे ही हमें सभी आर्म में मोटर को फिक्स कर लेना है। अब हम नट बोल्ट का यूज करके सभी आर्म को ड्रोन के बॉटम प्लेट में फिक्स कर लेंगे। अब हमें इस फ्रेम के सेंटर में चारों मोटर के लिए 4 ESC लगाना है। ये है BL हेली का 30 ampere ऑप्टो ESC। असल में हमने 4 अलग अलग ESC को एक साथ जोड़ करके इसे 4-in-1 ESC बनाया है। ये है इस ESC का सिग्नल लीड, और ये है इस ESC का मेन पावर वायर, जिसमें हमने XT60 मेल कनेक्टर सोल्डरिंग किया है। अभी मैं डुअल टेप का यूज करके इस ESC को अपने ड्रोन फ्रेम के सेंटर में फिक्स करूंगा। इस ESC को मैंने 4-in-1 इसलिए बनाया है ताकि हमारा ESC कॉम्पैक्ट रहे, लाइट वेट रहे और वायर ज्यादा ना दिखे। आप इसकी जगह अदर ESC भी यूज कर सकते हो। अभी हमें मोटर के 3-phase वायर को ESC के 3-phase से सोल्डरिंग करना है। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि मोटर के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें इन तीनों वायर में से किसी भी दो वायर को आपस में चेंज कर देना है। हमने ऐसे ही सभी मोटर को ESC के साथ सोल्डरिंग कर लिया है। ये है 5V UBEC, जो 12V बैटरी से हमारे रिसीवर और फ्लाइट कंट्रोलर को 5V पावर सप्लाई देगा। तो इस UBEC के इनपुट वायर को हमें ESC के मेन वायर के साथ सोल्डरिंग करना है। इसी के साथ मैंने रेडियो रिसीवर के वोल्टेज टेलीमेट्री का वायर भी सोल्डरिंग किया है। ये है इस UBEC का 5V आउटपुट वायर, और ये है हमारे रेडियो रिसीवर का वोल्टेज टेलीमेट्री का पोर्ट। अब मैं XT60 कनेक्टर को ड्रोन फ्रेम के पीछे की तरफ फेविक्विक से चिपका ले रहा हूँ, और इसी कनेक्टर में हमारा लिपो बैटरी कनेक्ट होगा। अब हम रेडियो रिसीवर के वोल्टेज टेलीमेट्री का वायर, UBEC का आउटपुट वायर और सभी ESC का सिग्नल वायर को बाहर निकाल लेंगे, और अपने ड्रोन फ्रेम के टॉप प्लेट को फ्रेम के ऊपर फिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये ड्रोन फ्रेम परचेस करना है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सभी वायर को ऊपर की तरफ मैंने निकाल लिया है। अब हमें सेंटर में फ्लाइट कंट्रोलर को फिक्स करना है, और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ CC3D फ्लाइट कंट्रोलर। ये फ्लाइट कंट्रोलर बहुत ही स्मॉल है, लाइट वेट है, और इस फ्लाइट कंट्रोलर से हमें KK से भी अच्छा फ्लाइट मिलता है। साथ ही साथ ये फ्लाइट कंट्रोलर बहुत ही सस्ता है। अभी मैं इसे अपने फ्रेम के सेंटर में फिक्स कर रहा हूँ। ये है इस फ्लाइट कंट्रोलर का कनेक्शन डायग्राम, और इस डायग्राम में आप इस रेड कलर के एरो को देख सकते हो। ये हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के फॉरवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और इसी के साथ आप यहाँ पे रिसीवर का कनेक्शन देख सकते हो कि रिसीवर को हम कैसे फ्लाइट कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट करेंगे। और इधर आप देख सकते हो कि ड्रोन के किस मोटर को हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर के किस पिन से कनेक्ट करेंगे। साथ ही आप यहाँ पे मोटर के डायरेक्शन और प्रोपेलर के डायरेक्शन को भी देख सकते हो, और ये भी कि फ्लाइट कंट्रोलर के एरो का डायरेक्शन हमारे ड्रोन फ्रेम के फॉरवर्ड डायरेक्शन के तरफ होगा। तो अब मैं डायग्राम को देखते हुए अपने फ्लाइट कंट्रोलर के आउटपुट पिन से ESC के लीड को कनेक्ट कर लेता हूं। यहां हमारे फ्लाइट कंट्रोलर का ऊपर का पिन सिग्नल पिन है, तो इसके साथ हमारे ESC लीड का सिग्नल पिन कनेक्ट होगा। अब हमें फ्लाइट कंट्रोलर के साथ रिसीवर को कनेक्ट करना है, और मैं यहां पे यूज कर रहा हूं WFly-AT16S रेडियो ट्रांसमीटर, और ये है इस ट्रांसमीटर का 7-channel रिसीवर। इधर हमारे रिसीवर का PWM पिन है, जो हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होगा।
और ये है इस रिसीवर का वोल्टेज टेलीमेट्री जैक। अब हम सबसे पहले इस रिसीवर को अपने ड्रोन फ्रेम में फिक्स करते हैं और इसके बाद हम कनेक्शन डायग्राम को देख करके इस रिसीवर को फ्लाइट कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करेंगे। इस रिसीवर को कनेक्ट करने के लिए ये है केबल और ये केबल हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के साथ ही आता है। मैंने रिसीवर को फ्लाइट कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर लिया है और इस वोल्टेज टेलीमेट्री पोर्ट को भी हम रिसीवर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। ये है 5 वोल्ट UBEC जिसे हम फ्लाइट कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये है USB to Mini USB केबल और इस केबल से हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे क्योंकि हमें अपने फ्लाइट कंट्रोलर को अब सेटअप करना है अपने ड्रोन के लिए। यहाँ मैंने अपने लैपटॉप में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है जिसका नेम है लिब्रा पायलट। हमें इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और जिस तरीके से मैं इस फ्लाइट कंट्रोलर को सेटअप कर रहा हूँ सेम आपको भी अपने ड्रोन में इसी तरीके से सेटअप करना है। अब हमें ड्रोन को इक्वल सरफेस पर रख के कैलकुलेट पे क्लिक करना है। अब हमें तीनों बॉक्स पे टिक करना है और इसके बाद हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है और अपने बैटरी को ड्रोन के साथ कनेक्ट करना है और उसके बाद फिर स्टॉप पे क्लिक करना है। हमारा फ्लाइट कंट्रोलर सेटअप हो चुका है। अब हमें ट्रांसमीटर को सेटअप करना है। इसके लिए हम ट्रांसमीटर सेटअप विजार्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैं अपने ट्रांसमीटर को जैसे सेटअप कर रहा हूँ सेम आपको भी अपने ट्रांसमीटर को वैसा ही सेटअप करना है। अब हमें सेव पर क्लिक करके सभी सेटअप को सेव कर लेना है एंड इसी के साथ हमारा फ्लाइट कंट्रोलर का सेटअप कंप्लीट होता है। अब मैं अपने ड्रोन में बैटरी को इंस्टॉल करूंगा और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 3S 11.1 वोल्ट 2200 mAh लिपो बैटरी। अब हमें ड्रोन में प्रोपेलर इंस्टॉल करना है और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 11x45 का 2 क्लॉक और 2 काउंटर क्लॉक वाइज HD प्रोपेलर्स। अब हमारा ड्रोन फ्लाई होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों इस ड्रोन को बनाने के लिए हमने 126 ग्राम का लाइट वेट ड्रोन फ्रेम यूज किया है
जिससे हमें इस ड्रोन में नॉर्मल बैटरी से ही 20 मिनट तक का फ्लाइट टाइम मिल पा रहा है। इस ड्रोन का फ्रेम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इस फ्रेम में हमें जरा भी वाइब्रेशन नहीं मिलता है, जिससे हमें इस ड्रोन में और ज्यादा स्टेबिलिटी मिल पाता है। दोस्तों, अगर आप इस ड्रोन फ्रेम को परचेज करना चाहते हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप खुद का ड्रोन बनाना चाहते हो तो सभी पार्ट्स का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ये ड्रोन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर ड्रोन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का अलग अलग ड्रोन मेकिंग का वीडियोज लाता रहता हूं। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, ड्रोन बनाने में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे कॉल मी 4 ऐप से बात कर सकते हो। बात कैसे करना है, इस वीडियो का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।